हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली गई हैं। तो इस वीडियो में आज हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, पोस्ट, अप्लाई करने की लास्ट डेट, कैटेगरी वाइज वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी पैकेज, अप्लीकेशन फॉर्म फीस और एज लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा स्टाफ नर्स की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2021 शाम के 5 बजे तक रखी गई है। यानी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म शाम को 5 बजे तक सबमिट कर देना है। अगर यहाँ पर स्टाफ नर्स की कुल वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी 490, यहाँ पर सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 392 वैकेंसीज, जबकि संविदा के लिए यहाँ पर 98 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो यहाँ पर अगर सीधी भर्ती की बात करें तो यूआर कैटेगरी के लिए 176 टोटल वैकेंसीज हैं, जबकि EWS के लिए 20, SC के लिए 63, ST के लिए 78 और OBC के लिए 55 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर टोटल 392 वैकेंसीज़ हैं। जबकि यहाँ पर संविदा की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 44, EWS के लिए 05, SC के लिए 16, ST के लिए 19, OBC के लिए 14, यानी कुल मिला के 98 वैकेंसीज निकाली गई हैं। स्टाफ नर्स के पद नियुक्ति हेतु निर्देश शर्तें। नंबर 1, शासकीय नर्सिंग स्कूल महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए निश्चित। यानी यहाँ पर आपको तीन मंथ के लिए 10,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और 3 मंथ के पश्चात आपका यहाँ पर फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपको यहाँ पर शासन निर्देशानुसार वेतन दिया जाएगा और आपको यहाँ पर एडिशनल भत्ते भी दिए जाएंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो UR कैटेगरी के लिए 1,000 रुपये, जबकि ST, SC, OBC और EWS के लिए 800 रुपीस रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो UR कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स, जबकि ST, SC, OBC, EWS के लिए 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 45 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पर कुछ सामान्य शर्तें दी गई हैं जिसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती रहे। इस नोटिफिकेशन के एंड में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, जिसे आपको पूरा फिल करके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंड करना है। आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो को पेस्ट करना है, साथ ही साथ अपनी डिटेल्स को भरना है। एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर दिए हैं, इसी अकाउंट नंबर में आपको एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करनी है। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।